हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी चटपटी मज़ेदार कढ़ी और इसी के साथ हम बनाएंगे ये सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम इसकी पकौड़ियाँ। सो गाइस, ये देखिए कितनी सॉफ्ट पकौड़ियाँ हैं और टेस्टी सी कढ़ी है। तो गाइस चलिए देर कैसी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप बेसन लेंगे और 2 कप हम दही लेंगे। सो गाइस, ये देखिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है जिसमें मैंने बेसन को डाल दिया है और अब हम इसमें 2 कप हम भर करके बड़े वाले दही डाल देंगे। आपके पास मेजरमेंट के लिए यदि कटोरी हो, छोटी बड़ी कटोरी के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिला देंगे। ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। सो गाइस, ये देखिए मिक्सर ग्राइंडर एकदम भर गया है और पानी मैंने इसमें डाल दिया है। करीबन जितना कप हमारा बेसन होता है उसका 10 गुना हमें इसमें पानी डालना है। अब हम इसके लिए एक बड़े और चौड़े मुँह का बर्तन लेंगे और उसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें मिर्ची, कड़ी पत्ता, राई, मेथी और सूखा वाला धनिया ले लेंगे। अब हम तेल देखिए हो गया है तो इसमें मैंने हींग डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, मिर्ची डाल दी हैं और ये कड़ी पत्ता डाल देंगे, राई डाल देंगे और ये डाल दिया हमने क्रश किया हुआ सूखा धनिया। मेथी हम सबसे बाद में डालेंगे, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगी हमारी कड़ी। तो अब हम सारी चीज़ें भुन गई है तो अब हम डाल देंगे इसमें मेथी दाना और अब देखिए मेथी दाना भी भुन गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें बेसन और दही का जो हमने मिक्सर किया था वो हम डाल देंगे इसमें और फटाफट डालते ही हुए चलाना ज़रूर है आपको, नहीं तो नीचे तले में चिपक जाएगा। पानी डाल देंगे और देखिए पानी आपको करीबन 1 से 1.5 लीटर तक पानी इसमें चला जाएगा। तो इसी तरह से करीबन 10 कप पानी डाल जाएगा और इसमें अब हम डाल देंगे हल्दी, मिर्ची और बहुत थोड़ा सा धनिया। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी क्योंकि इसमें कलर काफ़ी अच्छा सा येलो कलर चाहिए हमको। ये देखिए लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये दही और पानी अलग अलग हो जाएगा। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि दही और पानी अलग नहीं हो, इसलिए नमक हम बाद में डालेंगे। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने ये बेसन ले लिया है और 1 कप बेसन है ये। इसमें थोड़ा सा पानी डालते जाएं, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही एक इसमें गाढ़ा सा पकौड़ी वाला हम इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह लगातार मिक्स करते रहें और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा फ्लफी सा एकदम ये बैटर बन जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर मैं इसको रख दूंगी 10 मिनट तक के लिए, तो और अच्छा इसमें बैटर बन जाएगा। जब तक हम कढ़ी को चला लेते हैं, ये देखिए इसके झाग जब तक ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक हमें लगातार चलाना है, नहीं तो ये ऊपर से उबल करके आ जाएगी। इसको लगातार चलाते रहें, देखिए दही फटना नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें अच्छा सा एक उबाल आ गया है तो अब हम डालेंगे इसमें नमक। जी हाँ गाइस, उबाल अच्छे से आ जाए तभी हमें इसमें नमक डालना है और नमक इसमें करीबन जितनी हम सब्जियों में नमक डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में बन जाता है ये हमारा कढ़ी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसको लगातार हम देखिए फिर से चलाएंगे और अब ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को बिल्कुल लो करके और इसको हम रख देंगे। आराम आराम से ये पकेगा, करीबन इसको हमें 30 से 40 मिनट तक लगातार पकाना है तभी ही इसका टेस्ट एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा। तो गाइज ये देखिए पकौड़ी वाला जो हमारा बैटर था उसमें मैंने 1 चुटकी से भी कम मुझे इसमें बेकिंग सोडा डालना है, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी पकौड़ियाँ तो कढ़ी में एकदम घुल जाएंगी। और ये देखिए इस तरह से हमारा एक गाढ़ा सा पकौड़ी वाला बैटर बन के एकदम तैयार हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर मिर्ची। आप हल्दी और मिर्ची को न डालें तब भी चलेगा क्योंकि कढ़ी ऑलरेडी येलो होती है। सो गाइज अब हम इसमें टेस्टी सा फ्लेवर लाने के लिए डाल देंगे कसूरी मेथी। आप इस जगह धनिया भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। कढ़ी का तो अपना ही टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो गाइस देखिए मैंने कढ़ी को ज़रा देख लेते हैं, हमें इतना थोड़ा सा ढक करके छोड़ देना था। ढक्कन आपने देखा मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, इसको बीच बीच में लगातार हम चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैंने इसमें भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है जिससे इसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्टी फ्लेवर आ जाएगा। और देखिए मैंने गाइस ढक्कन को थोड़ा सा ढक दिया, थोड़ा खोल दिया है। अब हमें 1 बड़ी प्याज और मैंने करीबन 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं जिसको मैंने कूट लिया या काट लीजिए, वो मेरे छौंकने की तैयारी है। और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है जिसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। ये देखिए थोड़े से ऑयल में पकौड़ियाँ बनाइए और साइड से इस तरह से ऊपर की ओर ऑयल डालेंगे, पकौड़ियाँ हमेशा गोल बनेंगी। और ये देखिए कितनी अंदर आपको एयर बबल दिख रहे होंगे, इसमें छोटे छोटे से एयर पॉकेट दिख रहे होंगे और ये इसी से बने हैं जो कि हमारा थोड़ा सा सोडा डाला था और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको फेंटा था जिससे हमारे काफ़ी पकौड़े सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए अभी देखने में ही कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, कढ़ी में डलते ही तो और भी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्टी हो जाएंगे। सो गाइस ये देखिए सिक गए हैं अच्छे से अलट पलट करते हुए और मैंने इनको अब निकाल लिया है। ये देखिए सारे पकौड़ियों को हम निकाल लेंगे तेल से छान करके और ये देखिए सभी मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली हैं। सो गाइस मैं अब आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए अच्छे से दबाने पे भी दब रहे हैं और वापस से उसी फॉर्म में भी आ रहे हैं और अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें एयर पॉकेट आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए अभी जब मैं इसको कढ़ी में अभी नहीं डालना है, हमको बाद में डालना है
और ये देखिए इस तरह से लगातार हम कढ़ी को चलाते रहेंगे। और ये अब हमारी कढ़ी लगभग बन चुकी है, तो हम इसको गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए छौंकने के लिए मैंने उसी तेल में ही थोड़ा सा तेल बचा लिया था, थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी की स्मेल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, लहसुन और प्याज डाल दिया है। और ये देखिए मैंने बाकी सारी चीज़ें पहले ही छौंकने में डाल दी थी, आप चाहें तो दोबारा भी इसमें लाल तड़के वाली मिर्ची डाल सकते हैं। सो गाइज़ ये देखिए अब बस 2 मिनट और मैंने इसको पका लिया है कढ़ी को, और अब मैं इसको गैस को लगभग बंद ही करूँगी। इधर हमारी प्याज का कलर देखिए कितना गोल्डन सा हो गया है। सो गाइज़ इसी टाइम पर हमें इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालनी है। ये देखिए लाल मिर्ची जल्दी नहीं चाहिए, बस तुरंत गैस बंद करके तभी ही आप कश्मीरी लाल मिर्च डालें। और अब हम देखिए इसको कढ़ी में डाल देंगे। सो गाइज़ ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है कढ़ी का, आप देख सकते हैं, आपको देखने से ही लग रही होगी कितनी टेस्टी और कितनी यमी है। सो गाइज़ अब हम करेंगे गैस को बंद। जी हाँ, उस टाइम मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको खोला लिया था, और गैस को बंद करने के बाद ही हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे, नहीं तो पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी, घुल जाएंगी इसमें। और ये देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं पकौड़ियाँ कढ़ी को किस तरह से एब्जॉर्ब कर रही हैं, क्योंकि पकौड़ी के अंदर जितना सॉफ्टनेस थी उसी की वजह से ये अंदर हमारी कढ़ी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर पकौड़ियाँ टाइट होती तो कढ़ी को एब्जॉर्ब नहीं करती। सो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी कढ़ी बनकर के एकदम रेडी हो गई है। मैंने इसको करीबन 20 से 25 मिनट ऐसे ही रहने दिया था, और ये देखिए पकौड़ियाँ भी फूल करके और डबल हो गई हैं, और कढ़ी का टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको प्लेट में चावल के साथ इस कढ़ी को लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा आपको देखने से ही यम्मी लग रही होगी, और पकौड़ियों की तो बात ही क्या है, आप देख सकते हैं। आप इसको बनाएंगे और खाएंगे, बच्चे बड़े सभी को खिलाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सो गाइज़ घर में बड़े हों या छोटे हों, बच्चे हों, कढ़ी तो सभी को पसंद आती है। सो गाइज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही चटपटी मज़ेदार खट्टी मीठी रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइज़ बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी पकौड़ियाँ हैं, मैंने अभी अभी आपको इसको कट करके भी दिखाया कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। और इसका मज़ा तो चावल से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको रोटी से भी खाइएगा वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो गाइज़ डी डायमंड शॉर्ट्स भी मेरे पड़े हुए हैं चैनल पे, आप उनको भी देखिएगा, और वेज और नॉन वेज दोनों तरह की मैंने वीडियो डाली हैं, आप दोनों वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा। सो गाइज़ बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए कितनी सुंदर कढ़ी है हमारी, कलरफुल एकदम कढ़ी है, और चटपटी मज़ेदार टेस्टी खट्टी मीठी कढ़ी है, दही इसका थोड़ा सा खट्टा ज़रूर होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।